में कितने लोग शामिल हैं? कौन कौन है? कौन कौन है तुम्हारी? ये और एक तुम्हारा बेटा है जी। तो कब से करते थे आप चोरियां? एक साल से। कहाँ कहाँ करते थे? करियर। ट्रेनों में? करियर। नहीं, कैसे करते थे, कहाँ करते थे, किसको? करियर, करियर। चलती हुई ट्रेनों में चोरी करते नहीं, थे? और करियर, करियर शरीफ। कहाँ पर चोरी? दरगाह पे। हाँ, ये हमारे जो आज हमने गिरोह पकड़ा है, महिला गिरोह है, और ये ट्रेनों में और रेलवे स्टेशनों पर, भीड़ भाड़ इलाकों में भी ये आपस में मिलकर जो है यात्रियों का कीमती सामान, मोबाइल वगैरह चोरी करता था। ये काफ़ी दिन से सक्रिय था। इस गैंग पर पुलिस की काफ़ी दिन से नज़र थी। आज ही हमने रेलवे स्टेशन रामपुर से जो बुकिंग टिकट घर के पास में जो अंदर शौचालय है उसके पास से हमने पकड़े हैं। इनके पास से भिन्न भिन्न घटनाओं के चोरी गए माल से 8 मोबाइल बरामद हुए हैं। कुछ नकदी बरामद हुई और नकदी भी बरामद इनसे हुई है। इनका चूँकि ये लोग पहले दिल्ली रहते थे, दिल्ली में रह क्राइम करते थे, घटनाएं करते थे, और वहाँ से अपने को छिपाने के लिए, अपना चेहरा छिपाने के लिए अभी ये रामपुर में आके लगभग 1 वर्ष रामपुर में जगह बदल बदल रहे हैं, रह रहे थे यहाँ पर। और महिला गैंग है इसलिए महिला वो बुर्के में चलती हैं, वो पहचान ट्रेनों में किसी की जेब काट ली, किसी का मोबाइल लूट लिया, बैग चुरा लिया, इस टाइप की घटनाएं में काफ़ी दिन से सक्रिय थे और हम लोग काफ़ी दिन से अपनी नज़र रखे हुए थे। आज ये मुखबिर की सूचना तो मिली। कौन है ये, मतलब इनका आपस में कनेक्शन क्या? आपस में परिवारिक भी है, रिश्तेदार हैं, खालू है तो उसकी भांजी है, एक महिला है तो उसका बेटा है, जो ये सब सरवरी बेगम है इसका एक बेटा है परवेज, जो इसके साथ जो दूसरी शबनम है ये उसकी खाला लगती है। तो पूरा खानदान चोर है? खानदान चोर है। एक बेटा यहाँ गैंगस्टर में बंद है इसका, सरवरी का मुरादाबाद में गैंगस्टर बंद है, वहाँ कई घटनाओं में बंद हुआ। तो क्या आगे ये जांच की जा रही है कि कहाँ कहाँ ये अपराध करते थे अब तक? क्या एक बेटी इसकी सुहाना नाम की, वो रुड़की में बंद है, वहाँ भी इन्हें घटना करी, रुड़की जेल में बंद है सरवरी की। और अब इनका और भी इनकी जांच करी जा रही है कि इन्होंने कहाँ कहाँ घटनाएं करी, उनकी जो गहनता से जांच करी जा रही है।